आज भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो हिंदुस्तान में आज सभी जगह निकलेगी। हमारे शहर फिरोजाबाद में भी आज निकाली जा रही है। ये राधा किशन मंदिर से शुरू होकर केला देवी मंदिर तक यात्रा जाएगी। वहाँ भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ प्रसाद का वितरण किया गया। यहाँ महाराष्ट्र से रंगोली कलाकार, केरला से मणिपुरम नृत्यम वाले और उड़ीसा से उड़ी नृत्य वाले कलाकार आए हुए हैं। ये जो है चार टीमें हैं, चारों टीमें पूरे रास्ते में अपना कला का प्रदर्शन करते हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी के डोले के आगे आगे चलेंगे। जिला फिरोजाबाद के अंदर किस तरह की शोभा यात्रा का रथ निकाला जा रहा है? ये जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा है, और जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा नहीं है, ये रथ यात्रा है। जगन्नाथपुरी में वर्षों से आदिकाल से चली आ रही एक परंपरा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी नगर भ्रमण पर निकलते हैं, और रथ यात्रा में करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु अपने हाथों से उस रथ को खींचते हैं। उसी भावना से ओतप्रोत होकर, क्योंकि हम लोग जनपद के लोग संभव नहीं है कि वहाँ पहुँच पाएँ इस पुण्य कार्य के लिए, तो यहाँ पर एक संस्था है जगन्नाथ रथ शोभा यात्रा, और उसमें आज के दिन, क्योंकि आज ही के दिन जगन्नाथपुरी में शोभा यात्रा निकलती है, रथ यात्रा निकलती है, उसी दिन यहाँ पर भी उसी मुहूर्त में यहाँ ये शोभा यात्रा निकाली जाने का परंपरा बनाई हुई है हमने। जैसे कि देखा जा रहा है ये शोभा यात्रा के अंदर, जैसे रथ यात्रा के अंदर कितनी झांकियाँ और कितने डोले और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? इसमें महाराष्ट्र की एक झांकी है, उड़ीसा की है, केरला की है, भिन्न भिन्न प्रांतों से बुलाई हुई उन झांकियों के प्रदर्शन रहे हैं, और लाइव रंगोली पूरे रास्ते में शोभा यात्रा मार्ग जो हमारे केला देवी मंदिर तक जाएगा, वहाँ पे कलाकार रंगोली बनाते हुए जाएंगे। तो प्रदर्शन करने का मात्र उद्देश्य यह है कि पूरा भारत अखंड है, जिसमें सभी प्रांतों की सहभागिता है, वो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ ये कार्यक्रम किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।